नमस्कार, स्वागत मामा जी लाइव में। मैं हूं गोपाल। और दोस्तों, इस साल फिल्म आशिकी को 30 साल पूरे हो चुके हैं। जी हां, 1990 में आई ये फिल्म, और इस फिल्म के सुपरस्टार राहुल रॉय आज हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए राहुल से हम बात करते हैं। राहुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपकी फिल्म को 30 साल पूरे हो गए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सवाल ये उठता है सर कि आशिकी की फिल्म जो हिट हुई, उसकी वजह क्या मानते हैं सर? सबसे बड़ी वजह क्या रही उसकी? आशिकी की सफलता एक कॉम्बिनेशन दोनों गाने और कहानी था, जो मेरा किरदार था राहुल का। 30 साल में मैंने ये आभास किया हुआ है कि काफ़ी लोग इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सब लोगों की लव स्टोरी कुछ ऐसे ही रही है, तो ये लोगों के जहन और दिमाग में और दिल में बैठ चुका है। तो इस कारण ये फिल्म को ऐसी आइकॉनिक स्टेज दिया गया है। और गानों में जो लिरिक्स थे, उसमें कहानी जो है हर लवर की है, हर आशिक की है, तो सब लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये सफलता दोनों म्यूज़िक और कहानी पे है। चले राहुल, आपने जो वजह बताई वो वजह अच्छी लगी, और लेकिन हमारी तरफ से एक वजह और भी है, वो है आपका स्टाइल। आपका जो स्टाइल था वो भी एक वजह थी उस फिल्म के हिट होने में। चलिए राहुल, ये बताएं कि मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा आप बाकी समय में क्या करते हैं, आपके क्या शौक है? एक्टिंग एंड मॉडलिंग के अलावा आई एंजॉय रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, अच्छी फिल्में देखता हूँ, ज़्यादा अंग्रेजी देखता हूँ, क्रिकेट खेलना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो दोस्तों, राहुल ने बताया कि उन्हें किताबें पढ़ना, क्रिकेट खेलना और इंग्लिश मूवी देखना बहुत पसंद है। और राहुल ये बताएं कि एक सवाल ये है कि आपके जो फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि राहुल जो हैं वो अभी किन प्रोजेक्ट पे बिजी हैं, कौन सी फिल्में जो आने वाली हैं, या इस साल हम किन किन फिल्मों में आपको देखेंगे? इसी साल मेरी शायद 3 या 4 फिल्में रिलीज होंगी, अप्रैल मई ऑनवर्ड्स। आगरा नाम की फिल्म है जो कन्नू बहल जी ने बनाई है, सयोनी नाम की फिल्म है जो नितिन गुप्ता ने बनाई है, नाइट एंड फॉग है जो तनवीर अहमद जी ने बनाई है, और फिलहाल अनोखी एक बायोपिक संजय सिंह जो बना रहे हैं वो उनकी फिल्म है। तो ये सब फिल्में तैयार हो रही हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में हैं, कुछ शूटिंग चल रही है, तो बहुत जल्द आप मुझे इसी साल में देखेंगे। राहुल, आखिर में आपके जो चाहने वाले हैं और जो युवा पीढ़ी है जो आगे बढ़ना चाहती है, सपने हैं उनके, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें? आप लोग जो भी ड्रीम करते हैं करने के लिए अपनी लाइफ में, उसे आप पूरी शिद्दत के साथ करें, प्रिपेयर करें कि अगर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, टेक्नीशियन बनना चाहता हूँ, जो कुछ भी करना चाहते हैं तो पूरा फोकस लगा करके, प्रिपेयर्ड हो करके। ऐसे नहीं कि सिर्फ सपने हैं तो कोई ऊपर वाला कुछ करके देगा, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ये सब करना बहुत ज़रूरी है, और हिम्मत नहीं हारने का, आपको करना चाहिए, हर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, और उम्मीद है कि वो दरवाज़ा एक दिन कोई ना कोई सही बंदा खोलेगा आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह फॉलो कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आपने अपना कीमती समय निकाला, बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे आपके चाहने वालों से आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही उम्मीद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि इस साल जो आपकी फिल्में आएंगे वो बेहद सफल हों और आपके चाहने वालों को और हम सबको एंटरटेनमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।